कैम शो पब्लिक। तो आज हम करने वाले हैं JEE 2024 में पूछा गया एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स चैप्टर में से एक क्वेश्चन, जो कि JEE 2024 में पूछा गया था। तो क्वेश्चन कुछ ऐसा पूछा गया था, लेट जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू 3 f(x)/3 प्लस f(3 - x) एंड एफ डबल डैश एक्स ग्रेटर देन क्या है 0 है फॉर ऑल द एक्स बिलोंग्स टू 0 एंड 3। इफ जी इज द डिक्रीजिंग इन 0 से लेके अल्फा एंड इंक्रीजिंग फंक्शन इन अ 3 α to 3, देन हमको यहाँ पे 8 α इज इक्वल टू इन चारों में से क्या होगा वो फाइंड आउट करना है, यानी कि सिंपली हमको अल्फा की वैल्यू फाइंड आउट करना है। चलिए कैसे करेंगे हम। सबसे पहले तो यहाँ पे हमको फंक्शन दिया हुआ है जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू 3 f(x)/3 प्लस f(3 - x)। यहाँ पे हमको दिया गया है कि जी क्या है, डिक्रीजिंग फंक्शन है बिटवीन 0 एंड अल्फा। तो डिक्रीजिंग फंक्शन फंक्शन कब डिक्रीज होगा, जब हम क्या फाइंड करेंगे जी डैश की वैल्यू, यानी कि इसका वन टाइम डिफरेंशिएशन करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। 3 वैसे का वैसा, f(x)/3 वैसे का वैसा, लेकिन x/3 का डिफरेंशिएशन क्या होगा, x का हो जाएगा 1/3 प्लस f(3 - x), लेकिन माइनस एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होगा, -1। 3 3 कैंसल, तो इसका आंसर हमको मिला f(x)/3। एफ डैश इसका भी डिफरेंशिएशन हुआ, मतलब f(x)/3 प्लस f(3 - x) यहाँ पे आएगा, माइनस बाहर आ जाएगा। ये फंक्शन क्या है, डिक्रीजिंग है, मतलब लेस देन 0, बिटवीन इन 0 से लेके अल्फा के बीच में, मतलब कि इसको हम सामने की साइड भेज सकते हैं, यानी कि f(x)/3 लेस देन f(3 - x) लिख सकते हैं ऐसा। चलिए दोनों साइड एफ डैश कैंसिल आउट हो जाएगा, बचेगा क्या, x/3 लेस देन 3 - x। x को हम इस साइड ले लेते हैं तो क्या हो जाएगा, x/3 प्लस x<3। सिंप्लीफाई कर लेते हैं इसको, तो ये हो जाएगा x प्लस एलसीएम हो जाएगा 3x/LCM 3 लेस देन 3। 3 चला जाएगा सामने की साइड, यानी कि 4x(3×3)9, यानी कि x<= क्या मिलेगा हमको, 9/4। तो ये जो वैल्यू मिली वो क्या हुई, लेस देन है, मतलब किसके बीच में होगी, 0 एंड 9/4, यानी कि ये क्या हो गया अपना अल्फा। अल्फा हमको मिल गया 9/4, हमको फाइंड आउट करना है यहाँ पे 8 अल्फा। देयरफॉर 8 अल्फा इज इक्वल टू 8×9/4, 4 यहाँ से 2 से कैंसिल आउट, 9×2 हो जाएगा 18, यानी कि हमारा करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा थर्ड वाला जो हमको क्वेश्चन में पूछा गया।